अकाउंट को प्रैक्टिकली बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन करेंगे। फर्स्ट टास्क आपका ये है कि आपके कंप्यूटर में आपके इस अकाउंट से आएंगे एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि यूज़र अकाउंट बनाने का काम कौन कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर। यूज़र अकाउंट बनाने के लिए माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करेंगे, कमांड है मैनेज, मैनेज पर क्लिक कर देंगे। विंडोज 10 में माई कंप्यूटर को डिस्क पीसी कहते हैं, इससे प्रीवियस विंडोज में इसका नाम था माई कंप्यूटर। यहाँ पर लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स का ऑप्शन है, यूजर्स ग्रुप्स दो ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। अगर आप शॉर्ट कमांड से इस चीज़ को खोलना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ स्टार्ट में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे lusrmgr.msc लोकल यूजर मैनेजर .msc। इसको क्लिक करने से भी आपके सामने यूजर्स एंड ग्रुप्स का ऑप्शन आ जाएगा, ये इसकी शॉर्ट कमांड है। एनीवे जिस तरीके से भी आप ओपन करना चाहें, माय कंप्यूटर के मैनेज से या lusrmgr से, खोलने के बाद आप कहाँ आएंगे, लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स, और आपका यूजर्स का फोल्डर है यूजर। अब यहाँ मैं एक यूजर अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ तो कैसे क्रिएट करूँगा, मैंने यूजर के फोल्डर पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर ऑप्शन है न्यू यूजर में जाएंगे, यहाँ यूजर को नेम देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यूजर को नेम दिया पिक्ट, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, फुल नेम एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है, अगर देना चाहे तो दे दें, ना देना चाहे तो छोड़ दें। पासवर्ड इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैं इसको पासवर्ड देता हूँ एम कैपिटल CSE2022 और साथ में प्लस का निशान, शिफ्ट एम CSE2022 और साथ में प्लस का निशान। यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि जी यूज़र नेम जो है उसमें आपकी कोई इतनी खास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 28 अल्फाज से बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यूज़र नेम यूनिक होना चाहिए, यानी उस नाम का पहले से यूज़र ना बना हुआ हो, ठीक है। और पासवर्ड के हवाले से मैंने आपको बताया कि कम्प्लेक्स एंड हार्ड टू गेस होना चाहिए, जैसे इसमें कैपिटल भी होने चाहिए, इसमें स्मॉल भी होने चाहिए, इसमें नंबर भी होने चाहिए और सिंबल्स भी होने चाहिए, जैसा कि हमने अभी यहाँ पे रखा पासवर्ड, ठीक है, कंफर्म किया। फिर ये ऑप्शन है यूजर मस्ट चेंज द पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग इन, जब यूजर लॉग इन करे तो अपना पासवर्ड तब्दील करें, नहीं इसको ऑफ करेंगे, ठीक है। और ये ऑप्शन चेक करना है, यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, यूजर अपना पासवर्ड खुद तब्दील नहीं कर सकता, एंड पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स, और इसका पासवर्ड कभी ख़त्म भी नहीं होगा, क्रिएट कर देंगे तो यूज़र क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये पिक्ट नाम का यूज़र आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक न्यू यूज़र क्रिएट करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने यूज़र बना लिया, नाम रख दिया DIT, पासवर्ड रखते हैं इन कैपिटल CSE2023 प्लस CSE2023 एंड देन प्लस, मैंने इस तरह का पासवर्ड रखा कि जिसमें कैप्स स्मॉल नंबर्स एंड सिंबल्स आ जाए और कम से कम 8 अल्फाज का पासवर्ड होना चाहिए। यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, पासवर्ड नेवर एक्सपायर को चेक करने के बाद क्रिएट कर देंगे, यूजर अकाउंट बन चुका है। ये सिंपल यूजर अकाउंट्स हैं दोनों, ठीक है, और इन यूज़र अकाउंट से आप कंप्यूटर में लॉगिन कर सकते हैं, कंप्यूटर के रिसोर्सेज को इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट ये यूज़र अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड है, यानी इस पर पाबंदी लगी हुई है, ये सिर्फ कंप्यूटर में लॉगिन करेगा, कंप्यूटर के रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकता है, ये खुद से यूज़र नहीं बना सकता, जैसे कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर से बना रहा हूँ, ये तो अपना पासवर्ड भी तब्दील नहीं कर सकता, ये कंप्यूटर के किसी रिसोर्स को डिलीट भी नहीं कर सकता, ठीक है, ये लिमिटेड राइट्स के साथ है। अब अगली बात पे आते हैं जी, अब यूज़र अकाउंट मैंने बना लिया, मैं यूज़र अकाउंट का नाम चेंज करना चाहता हूँ, नाम चेंज करने के लिए प्रोसीजर वही है, माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक करेंगे, मैनेज में जाएंगे, लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स में जाएंगे, यूजर्स में जाएंगे और जिस यूज़र का नाम चेंज करना है उस पर राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शन है रीनेम ऑप्शन में जाके आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं,
फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं इसका नाम होगा डी आई टी फर्स्ट, मैंने नाम को चेंज कर, ठीक है जी। अब मैं इसी तरह एलिमेंट एक यूजर और बना लेता हूँ, चलें इसका नाम मैंने रख दिया डी आई टी सेकेंड, ठीक है, और इसको भी एक पासवर्ड एलोकेट कर दिया। अब मैंने तीन नए यूजर अकाउंट्स इस विंडोज में ऐड कर दिए। अब मैं चाहता हूं जी कि मैंने एक यूजर अकाउंट को खत्म करना है, मुझे नहीं चाहिए एक यूजर अकाउंट, तो फिर भी मैं क्या करूंगा, माय कंप्यूटर पर राइट क्लिक करूंगा, कहां जाऊंगा, मैनेज में जाऊंगा। मैनेज में जाने के बाद लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स यूजर्स, और जो यूजर अकाउंट नहीं चाहिए उस पर राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शन है डिलीट, डिलीट कमांड पर क्लिक करके जस्ट यस करने की देर है वो यूजर अकाउंट आपके विंडोज के डेटाबेस से खत्म हो जाएगा। मैं चाहता हूं जी मैं अपने यूजर अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर दूं। पासवर्ड चेंज करने के लिए भी आप एडमिनिस्ट्रेटर के राइट के साथ आते हैं और माय कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके मैनेज में जाते हैं, ठीक है, लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स में जाते हैं और डिजायर्ड यूजर अकाउंट पे आके राइट क्लिक करते हैं और देन सेट पासवर्ड एंड प्रोसीड का पासवर्ड मैंने रख दिया पी आई सी टी टिक 2023 टी आई सी टी टी कैपिटल आई सी टी 2023 टी कैपिटल आई सी टी, ठीक है। पहले मैंने जो पासवर्ड रखा हुआ था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। नहीं, अभी आप एडमिनिस्ट्रेटर की पावर के साथ हैं, एडमिनिस्ट्रेटर को किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऑनर ऑफ द कंप्यूटर होता है, ठीक है। मैंने इसका पासवर्ड चेंज कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो यूजर है जो मैंने अभी सिंपल सा बनाया है, मैं इसको कुछ राइट्स दे दूं कंप्यूटर के ऊपर, कुछ पावर दे दूं, ठीक है, ताकि ये भी एक पावरफुल यूजर बन जाए। तो मैं क्या करूंगा, माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक करूंगा और फिर कहां पे जाऊंगा, मैनेज में जाऊंगा। मैनेज में जाने के बाद हम क्या करेंगे जी, लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स यूजर्स एंड देन जिस यूजर को आप राइट असाइन करना चाहते हैं उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाके मेंबर ऑफ, अभी ये किस कैटेगरी का मेंबर है, यूजर, आप करेंगे ऐड एडवांस्ड फाइंड नाउ। अब आपके पास ये कैटेगरीज आ चुकी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर मोस्ट पावरफुल यूजर अकाउंट ऑन कंप्यूटर इज एडमिनिस्ट्रेटर, बैकअप ऑपरेटर, साइटोग्राफिक ऑपरेटर, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटर, परफॉर्मेंस ऑपरेटर, पावर यूजर। अब पावर यूजर क्या होता है जी, एडमिनिस्ट्रेटर के बाद दूसरा मोस्ट पावरफुल यूजर अकाउंट ये होता है, हाफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कंप्यूटर होता है, और सिंपल यूजर, ये सारे राइट्स हैं। मिसाल के तौर पर मैंने इसको एडमिनिस्ट्रेटर का राइट दे दिया, इट मीन कि मैंने इसको कंप्यूटर का ओनर बना दिया, ठीक है। मैं करता हूँ ओके ओके अप्लाई। अब ये बंदा यूजर होने के साथ साथ क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है। अगर हम इस पिक यूजर अकाउंट से भी लॉग इन करेंगे तो हम वो सारा काम कर सकते हैं जो हम एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट के साथ कर रहे हैं। तो मैं कर देता हूँ ओके। अब अगर मैंने जी इस यूजर को राइट दे दिया तो ये यूजर तो यूजर भी बना सकेगा, ये पासवर्ड भी चेंज कर सकेगा, ये कंप्यूटर के रिसोर्सेज को भी डिलीट कर सकेगा, ये नेटवर्किंग भी कर सकेगा। तो मैंने ये राइट वापस लेना है, माय कंप्यूटर पर राइट क्लिक करूंगा और कहां पे चला जाऊंगा, मैनेज, ठीक है, लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स एंड देन यूजर्स, और इस पिक यूजर से राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और मेंबर ऑफ में जाके एडमिनिस्ट्रेटर के राइट को सेलेक्ट करके रिमूव कर दूंगा। तो अब इसके पास फिर से कौन सी पावर रह गई है, यूजर, अब ये एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, अब ये फिर से रिस्ट्रिक्टेड यूजर अकाउंट बन चुका है। अब मैं चाहता हूँ जी कि मैं ग्रुप बना लूँ। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप इज अ कंटेनर दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन यूजर अकाउंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये ग्रुप क्यों होते हैं, ये जो आपकी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एंटरप्राइज सोल्यूशन, ठीक है, एंटरप्राइज मीन एक बड़ा इदारा जहां पर हजारों की तादाद में लोग काम करते हो।
अब वहाँ पे मैनेजमेंट अलग होती है, वहाँ पे स्टाफ अलग होता है, सेल्स का डिपार्टमेंट अलग होता है, कस्टमर्स का डिपार्टमेंट अलग होता है, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट, और हर डिपार्टमेंट में हज़ारों लोग होते हैं, ठीक है। तो इतने बड़े यूजर्स का डाटाबेस सिर्फ यूजर्स का फोल्डर हैंडल नहीं कर सकता। फिर क्या करते हैं, वहाँ पे हम बना लेते हैं ग्रुप्स, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और कैसे क्या करता हूँ जी, न्यू ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप में मैंने क्या कर दिया, मैंने किस नाम का ग्रुप बना दिया, मैनेजमेंट, ठीक है। और मैनेजमेंट की डिस्क्रिप्शन क्या दे दीजिए, टॉप मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब इसमें मिसाल के तौर पर मेरे पास 10 बंदे हैं, तो मैं ऐड करूंगा, एडवांस करूंगा, फाइंड आउट करूंगा कौन से वो बंदे हैं, उनके यूजर अकाउंट सिलेक्ट करूंगा। मैं कहता हूं मेरे पास ही एडमिनिस्ट्रेटर खुद है और जी ये मेरे नाम का यूजर अकाउंट है, चलेंगे फॉर द टाइम बीइंग ये दो यूजर्स मैंने इस ग्रुप में ऐड करवा दिए और इसे कर लिया ओके एंड देन क्रिएट। बिल्कुल आसान सा काम है, क्लोज किया तो हमारे ग्रुप्स में देखें एक नया ग्रुप आ चुका है, नाम क्या है, मैनेजमेंट, ठीक है। इसी तरह सेल्स डिपार्टमेंट है, उसके सारे यूजर उसमें डाल देंगे। कस्टमर रिलेशन डिपार्टमेंट है, उसके सारे यूजर उसमें डाल देंगे। और स्टाफ डिपार्टमेंट है, स्टाफ के सारे यूजर्स उसमें डाल देंगे। इसका फायदा क्या होता है ग्रुप का, मिसाल के तौर पर मैनेजमेंट है, मैंने ये ग्रुप बनाया, मैं ग्रुप पॉलिसी के जरिए इस ग्रुप को राइट्स दे दूंगा कि ये सारे कंप्यूटर के ऑनर्स हैं, ठीक है। इन सब के पास एडमिनिस्ट्रेशन का पावर है, ठीक है। तो मैं ग्रुप को राइट दूंगा, उसके अंदर जितने यूजर्स ऐड होंगे उन सबको वो राइट मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं सेल्स वालों को राइट दूंगा जी, मैं कहूंगा जी वो सिंपली लॉग इन करेंगे और अपनी सेल्स को देख सकेंगे, बाकी कुछ भी कंप्यूटर में काम नहीं कर सकते, यानी मैं उन्हें लिमिटेड राइट्स दे दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ सेल के ग्रुप के ऊपर वो राइट अप्लाई कर दूंगा और डायरेक्ट मेरे पूरे यूजर्स के ऊपर वो अकाउंट रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। दैट्स हाउ आप यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं और ग्रुप क्रिएट करते हैं।